अरे मैडम, ये आपने क्या करा? पूरा पूरा कूड़ा मेरे ऊपर फेंक दिया। हाँ तो कूड़ा ही तो गिराया है, शुक्र मना तेरे मुंह पर नहीं फेंका मैंने कूड़ा, समझ में आई? मैडम ये आप कैसी बात कर रही हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या बात करने की? यार रुकियो, एक बदतमीज मिल गया है, उसे संभालती हूँ मैं पहले, ठीक है, फिर तुझसे बात करती हूँ। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम कि मैंने कूड़ा इस तरीके से तुम्हारे ऊपर क्यों फेंका? अरे कूड़ा कूड़े दान में नहीं डालूंगी तो कहाँ डालूंगी? हाँ, और तुम जैसे लोग कूड़ेदान से कम हो क्या? मैडम अगर आपको कूड़ा फेंकना था तो इधर उधर फेंक देती, मैं उठा के रख देता। तो तुम्हें अपना काम पता है कि अगर कूड़ा इधर उधर पड़ा है तो तुम्हें उठाकर कूड़ेदान में डालना है, लेकिन ये नहीं पता कि तुम्हारी औकात क्या है। जो तुम काम करते हो ना, तुम्हारी औकात भी वही है, समझ आ रही है? कूड़े के बीच में, तो कूड़े के कचरे की औकात के बराबर वाले इंसान मुझसे ना बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ आई? मैडम आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप तो कूड़ा फैलाते हो, हम लोग ना साफ करते हैं, इसलिए मैम आपका ना बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरह से बात करें। पर मैडम आपको देख के तो ऐसा लग रहा है आपको ऊपर वाले ने पैसा दिया पर आपसे ना बुद्धि छीन ली है। अबे ओए, मेरे सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये भाषण है जाकर किसी और को सुनाइयो, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। तेरी जितनी औकात है उतनी ही बात कर, अपना काम कर चुपचाप। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे यार सर कितना लेट हो गया यार, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अरे यार आई एम रियली सॉरी, मैं टाइम पर ही आई थी, वो एक पागल मिल गया था मुझे रास्ते में, उसके चक्कर में लेट हो गई मैं। चलो चलते हैं। सना गेट क्या खोल रही हो, गाड़ी की चाबी तो दो। अरे संदीप यार क्या मजाक कर रहे हो, गाड़ी की चाबी तो तुम्हारे पास है ना, जल्दी से कार ओपन करो यार, लेट हो रहे हम ऑलरेडी। लगता है तुम भूल रही हो, कल तुमने तो कहा था कि तुम्हें कहीं जाना है, इसलिए गाड़ी की चाबी तुम लेके गए थे। ओह शिट यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कूड़ा फेंका था, शायद मैंने चाबी भी साथ नहीं फेंक दी। चलो चल के देखते हैं। चलो जल्दी। अबे ओए कूड़े वाले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कूड़ा फेंका था ना, उसमें मेरी चाबी चली गई गलती से, निकाल के दियो। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरे को कूड़ा इकट्ठा करने में 1 से 2 घंटे लग गए हैं और आप कह रही हैं इसमें से चाबी निकालने के लिए, ये तो मैम पॉसिबल नहीं है। अबे ओए जो इसने बोला है ना चुपचाप कर ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गया? और हाँ ज्यादा ना शाड़ा बनने की कोशिश मत कर, तुझ जैसे लोगों को ना अच्छे से जानते हैं हम लोग, चोर हो तुम लोग, अभी तो तू हमें मना कर रहे हैं, बाद में जब हम चले जाएंगे तो इसी कूड़े के अंदर से ढूंढ के निकालेगा चाबी और हमारी गाड़ी लेके फरार हो जाएगा। चुपचाप से निकाल अभी, चल चाबी। हाँ जल्दी निकाल चाबी, तेरे जैसे 10 को ठीक करता हूँ रोज मैं। चल अब हमारा मुंह क्या देख रहा है, निकाल चाबी। मैडम आपको इतनी जल्दी है ना, एक काम कीजिए आप ना खुद ही चाबी निकाल लीजिए इसमें से, मैं ना दोबारा इतनी मेहनत नहीं कर सकता, आप ना चाबी निकालने के बाद मेरा कूड़ा दोबारा डाल देना कट्टे के अंदर। तो जैसा लुच्चा इंसान ये काम कर सकता है, हम लोग ये तुच्छा काम नहीं करेंगे, ठीक है? चुपचाप से चाबी निकाल के दे इसमें से। हाँ जो तेरे से बोला है ना चुपचाप कर ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गया? ठीक है भैया निकालता हूँ मैं कूड़ा। अबे ओए एक एक करके क्या निकाल रहा है, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, एक साथ निकाल कूड़ा और ढूंढ चाबी। ठीक है भैया। कट्टा पलट लेना पूरा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। बोरी चाबी लीजिए मैडम। अभी तो पागल हो गया है क्या, ये चाबी मुझे ऐसे ही पकड़ा रहे हैं, ये सड़ी हुई चाबी छूंगी क्या मैं? हाँ क्या मतलब मैडम? मतलब ये मैडम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप, कि अब ये चाबी साफ हो गई। वो तो शुक्र मान कि हम दोनों ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, और तेरा ऐसा हसर करते ना याद रखता तू। आया बड़ा इसके चक्कर में कितना टाइम बर्बाद हो गया। हाँ। चल चलते हैं। चलो यार सर फाइल। हाँ चेक कर ली सारी। हाँ जी सर। चलो अच्छी बात है, ये तो दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्ते भैया। अरे सलमान तुम? अंशु प्लीज। अच्छा हो यार तुम आ गए, मुझे तो लगा शायद कि तुम आओगे ही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से आ गया। चलो कोई बात नहीं है, तुम बैठो यहाँ पे। अरे सलमान मेरा ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है,
तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अभी आया और जो मेरा एम्प्लॉय है ना वो तुम्हें एक काम के बारे में तुम्हें बता देगा सारा, ठीक है? मैं बस 2 मिनट में आया। हाँ बॉस, एक्सक्यूज मी, बॉस किधर है? तू टीचर इंसान, तू यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा पीछा करते करते तो हमारी कंपनी तक आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया था। जॉब करने के लिए? अबे ओ, तुझे ABCD भी पढ़नी आती है जब तू MNC कंपनी में जॉब करेगा? हाँ हमारा बस चले ना तो हम तो तुझे यहाँ पर प्यून की जॉब पर भी ना रखे। वैसे तेरे लिए ना वो ही काम ठीक है जो तू कूड़ा बीनता है घर घर जा करके। तेरी किस्मत ना यहाँ AC के नीचे बैठकर काम करने की नहीं है, तू जाकर वही कर जो तू अब तक करता आ रहा था, कूड़ा बीनने का काम। गंदगी में ही पैदा हुआ था तू और गंदगी में ही मर जाएगा एक दिन। दिन के 150 कमा वही है तेरी किस्मत में। आखिर उस दिन मेरी गलती क्या थी? और आज मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि आप मुझे बेवजह सुनाई जा रहे हो। तेरी गलती ये है कि तूने हमसे बहस करी, तू अपनी औकात भूल गया था। और तेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कि तू गरीबी में पैदा हुआ, वहीं पर पैदा हुआ है कचड़े में और कचड़े में ही रहेगा, और एक दिन ना उसी में दर दर की ठोकरें खा खा के मर जाएगा। अगर मुझे पता होता ना आप लोग भी यहाँ पे काम करते हो तो मैं कभी भी नहीं आता यहाँ पर जॉब के लिए। अबे ओए ज्यादा ना बकवास मत कर, जितनी तेरी औकात है ना उसी में रह के बात कर, ठीक है? MNC कंपनी में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी औकात बढ़ गई है, समझ आ गई? सना एक काम करते हैं, बॉस के आने से पहले इस कचरे को इस ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। सही कह रहा है, इस कचरे को यहाँ से साफ कर देते हैं वरना बॉस को तकलीफ हो जाएगी। चल भैया। संदीप, क्या कर रहे हो तुम? एक्चुअली बात यह है कि ये ना कल हमारी कार चोरी करने की कोशिश कर रहा था और आज कंपनी में आ गया हमारा पीछा करते करते चोर कहीं का, पता नहीं क्या चाहिए सर इसको। सर ये एक नंबर का कबाड़ी और चोर है, इससे पहले यहाँ पर भी ये कोई चोरी करे मैं इसको इस ऑफिस से बाहर निकाल देता हूँ। वैसे भी सर यहाँ पर हर एक चीज इतनी कीमती है, ये कुछ चुरा लेगा तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, इससे बढ़िया कि इसको हम यहाँ से निकाल ही देते हैं। सलमान, क्या ये दोनों जो कह रहे हैं वो सच है? नहीं भैया, ये लोग ना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कल बताया था ना, ये लोग वही हैं जो मुझसे बदतमीजी कर रहे थे और इन्होंने मुझे मारा भी था। सलमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तुम दोनों मिलकर इसको तंग कर रहे थे ना, इसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे और तुमने तो इसके ऊपर हाथ तक उठा दिया। मैंने ये सब कुछ अपनी आँखों से खुद देखा था। अगर मुझे पता चल जाता ना कि वो तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा कर रहे हैं तो सच में मैं उन दोनों को छोड़ता ना। खैर छोड़ो उनकी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सामने शर्मा एंटरप्राइजेस वाली कंपनी है ना वो मेरे भैया की है, तो तुम ना कल टाइम से आ जाना तो मैं ना तुम्हें जॉब दे दूँगा। ठीक है भैया, मैं ना पक्का कल टाइम से आ जाऊँगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया। वो पता है मैं उस टाइम क्यों नहीं आया था? वो इसलिए क्योंकि सलमान ना कभी भी इस कंपनी में काम करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि जब उसे पता चलता ना कि तुम दोनों इस कंपनी में काम करते हो तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आता। इसलिए मैंने सलमान को नहीं बताया उस टाइम कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, पर मैंने ना तुम दोनों को सबक सिखाने का उसी टाइम सोच लिया था। अरे तुम दोनों में जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? अगर कोई इंसान गरीब है या कूड़ा बीन रहा है तो उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे कि जैसे कोई तुम्हारे घर का नौकर हो? अरे तुमने इसको खरीद लिया है क्या? तुमने जो कल इसके साथ किया ना बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा ना कि मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो कूड़ा बीनता है तो उसको जीने का हक नहीं है क्या, या खुले में सांस लेने का हक नहीं है? और सना, तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम भी संदीप के साथ मिलकर ना ऐसी होती जा रही हो, और वैसे भी तुम दोनों की ना काफ़ी दिनों से बहुत कंप्लेंट आ रही थी स्टाफ की तरफ से। फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक मौका और दे देता हूँ, पर नहीं, कल तो तुम दोनों ने ना सारी हदें पार कर दी। बस मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता तुम दोनों को, क्योंकि जो इंसान इंसान को नहीं समझ सकता ना उसको मेरे ऑफिस में काम करने का कोई हक नहीं है। अरे क्या पता कल को तुम दोनों मिलकर हमारे किसी क्लाइंट के साथ बदतमीजी करो, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को तुम दोनों के हवाले छोड़ दूं तो तुम तो उस प्रोजेक्ट को ही खराब कर दोगे। अब ना तुम दोनों को मैं और नहीं देख सकता इस ऑफिस में, तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से।
सर हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सच में, हमें के साथ इस तरीके से पेश आना नहीं चाहिए था। और स्टाफ में भी आपको हमारे लिए जो भी कंप्लेंट्स आ रही थी आगे से वो नहीं आएंगी सर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हम दोनों आगे से मन लगा के काम करेंगे और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। वी प्रॉमिस यू दैट सर, एंड हमें सच में बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, हमने जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। शट अप, मुझे ना अब तुम दोनों की एक बात नहीं सुननी, बहुत हार पाए, और आज के बाद ना मेरे को इस ऑफिस में मत दिख जाना, तुम्हारे जो इस मंथ की सैलरी है ना वो अगले महीने तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगी। प्लीज़ जा सकते हो, दरवाज़ा पीछे ही है। आई विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है आप शेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों की शेयरिंग है। बाकी आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में बनाते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर अच्छाई से अच्छाई फैलाई जा सके, और अगर हमारी वीडियो के थ्रू किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो होगी, चाहे 1,00,000 लोगों में से एक व्यक्ति भी बदल जाए ना तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों के ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, आप लोग हमारे को फॉलो भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।